छत्तीसगढ़ में आज सुबह से ही कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं, जिसका असर राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला है। जहां राजधानी के कुछ इलाकों में बादल छाए रहे, वहीं कुछ जगह झमाझम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने कहा है कि दक्षिण भारत से आ रही नमी ने छत्तीसगढ़ का मौसम बदला है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बने सिस्टम के प्रभाव के कारण प्रदेश में कल तक बादल छाए रहने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और उससे लगे मराठवाड़ा के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसके कारण विंड कन्फ्लुएंस जोन यानी उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क और ठंडी हवा आ रही है, जबकि दक्षिण से गर्म और नमी युक्त हवा आ रही है, जिसके कारण प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। आगामी 24 घंटे में प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही मिनिमम टेम्परेचर में कोई मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टेम्परेचर में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 30 जनवरी से प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में गिरावट संभावित है, जबकि अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि संभावित है। 31 जनवरी से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से बादल लगभग खत्म हो जाएंगे, यानी आकाश साफ रहने की संभावना है। उसी के साथ मिनिमम टेम्परेचर में लगातार गिरावट होने की संभावना बनी हुई है।